अगर आप चंदू चैंपियन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को 4 मिनट 28 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीव्यूज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड मूवी चंदू चैंपियन के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी चंदू चैंपियन, जो कि रिलीज हुई थी 14th of June 2024, 14 जून 2024 को मूवी को फ्राइडे के दिन रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात की जाए तो बता दें कि क्रिटिक्स द्वारा इस मूवी को काफी अच्छी रेटिंग और रिव्यूज दिए गए थे। इस मूवी को क्रिटिक्स द्वारा 5 में से 3.5 स्टार्स 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। वही बात करें स्क्रीन काउंट्स की तो बता दें कि इस मूवी को इंडिया में टोटल 3200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। 3200 स्क्रीन्स इंडिया में दिए गए थे और इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में टोटल 1250 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, 1250 स्क्रीन्स पर। बता दें कि ओवरसीज मार्केट में इसको जितने स्क्रीन काउंट्स मिले थे, ये पहली ऐसी कार्तिक आर्यन की मूवी है जिसको ओवरसीज मार्केट में इतने ज्यादा स्क्रीन काउंट्स पर रिलीज किया गया था, 1250। अगर हम दोनों को इंक्लूड कर दें तो मूवी को वर्ल्ड वाइड टोटल 4450 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, 4450 स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। चंदू चैंपियन एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जिसको कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। राइटर्स की बात करें तो वो है कबीर खान, सुमित अरोड़ा एंड साथ ही सुदीप्तो सरकार। इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो वो है कबीर खान एंड साथ ही साजिद नाडियाडवाला। वहीं अगर हम इस मूवी के प्रोडक्शन हाउसेस यानी कि प्रोडक्शन बैनर्स की बात करें तो वो है कबीर खान फिल्म्स एंड साथ ही नाडियाडवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट। इन दोनों बैनर तले मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। चलिए तो अब इस मूवी से जुड़ी कास्ट यानी कि कलाकारों के बारे में जानते हैं। तो मूवी चंदू चैंपियन के अंदर कार्तिक आर्यन, विजय रास, श्रेयस तलपड़े, राजपाल यादव, यशपाल शर्मा, भुवन अरोड़ा, सोनाली कुलकर्णी, हिमांगी कवि, अनिरुद्ध दवे, ब्रिजेंद्र कला, गणेश यादव, हेमंत चौधरी एंड साथ ही भाग्यश्री बोर्स, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मूवी चंदू चैंपियन एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है जिसकी कहानी इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। यानी कि चंदू चैंपियन मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक मूवी है। पैरालंपिक गेम्स ठीक ओलंपिक गेम्स की तरह होती है, बस फर्क इतना होता है कि पैरालंपिक गेम्स उन खिलाड़ियों के लिए होता है जो कि विकलांग होते हैं यानी कि जिनमें डिसेबिलिटीज पाई जाती है। जिनके ऊपर चंदू चैंपियन मूवी को बनाया गया है यानी कि मुरलीकांत पेटकर वो बचपन से विकलांग नहीं थे बल्कि वो एक इंडियन सोल्जर हुआ करते थे और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें उन्हें कई सारी गोलियां लगी थी जिसके चलते वो विकलांग हो गए थे। उन्होंने अपने विकलांग होने के बाद अपना बचपन का सपना यानी कि ओलंपिक्स में जाने का सपना पूरा किया और उन्होंने स्विमिंग और अदर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और वहां पर वो पहले ऐसे इंडियन खिलाड़ी बने जिन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल जीते थे। बता दें कि मुरलीकांत पेटकर जी को साल 2018 में इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनकी अचीवमेंट्स के लिए। यही सब कहानी को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। ये एक ऐसी मूवी है जिसको आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। आपको क्या, आपको अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस मूवी को देखना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चंदू चैंपियन मूवी को नहीं देखा है और आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर इस मूवी को आज जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यानी कि 9 अगस्त 2024 को इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, वहां जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि मूवी चंदू चैंपियन के अंदर जो कार्तिक आर्यन का लीड रोल था वो मेकर्स ने सबसे पहले बॉलीवुड लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर किया गया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद फाइनली ये रोल दिया गया था कार्तिक आर्यन को। और जिस दिन इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया उस दिन सुशांत सिंह राजपूत की 4th डेथ एनिवर्सरी थी, जो कि बस एक इत्तेफाक था। तो चलिए अब वक्त आ चुका है फाइनली चंदू चैंपियन मूवी के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और वर्डिक्ट के बारे में चर्चा करने का। तो मूवी ने अपने डे वन पर इंडिया में टोटल जो नेट कलेक्शन की थी वो थी 5,40,00,000 रुपए की, 5,40,00,000 रुपीज की। मूवी ने इंडिया में अपने फर्स्ट 3 डेज यानी कि फर्स्ट वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे को जो टोटल नेट कलेक्शन की थी वो थी 24,11,00,000 रुपए की। मूवी ने इंडिया में अपने फर्स्ट वीक यानी कि पहले
7 दिनों में टोटल जो नेट कलेक्शन की थी वो थी 37 करोड़ 36 लाख रुपए की, 37 करोड़ 36 लाख रुपीस की। मूवी ने इंडिया में अपना जो लाइफ टाइम टोटल नेट कलेक्शन किया था वो था 66 करोड़ 6 लाख रुपए का, 66 करोड़ 6 लाख रुपीस का। इसी के साथ इस मूवी ने इंडिया में अपना जो टोटल लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन किया था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, तो वो था 78 करोड़ 64 लाख रुपीस का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट से इस मूवी ने अपना जो टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन किया था वो था 13 करोड़ 79 लाख रुपीस का। और ये सब इंक्लूड करके मूवी ने अपना जो लाइफ टाइम टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था वो था 92 करोड़ 43 लाख रुपीस का। रही बात बजट, तो आपको बता दें कि इस मूवी का जो बजट बताया गया है वो 100 करोड़ से लेकर 140 करोड़ के आसपास का बताया गया है। अब चाहे इसका बजट 100 करोड़ हो या फिर 120 करोड़ हो या फिर 140 करोड़ हो, मूवी की वर्डिक्ट तीनों में एक ही है। अब अगर हम वर्डिक्ट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो बता दें कि चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को रिकवर नहीं कर पाती है, यानी कि मेकर्स को लॉस का सामना करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर हम वर्डिक्ट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो बता दें कि मूवी चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट थी वो थी फ्लॉप की। चंदू चैंपियन एक ऐसी मूवी थी जो फ्लॉप की वर्डिक्ट तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी, यानी कि फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी थी। इस मूवी के मेकर्स को भी इससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, जहां बॉलीवुड में एक के बाद एक लगातार फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी, वहां पर कार्तिक आर्यन एक ऐसे एक्टर है कि जो कि बॉलीवुड में एक नई उम्मीद जगा सकते थे। लेकिन मूवी का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ ये तो आप जान ही चुके हैं। वैसे चंदू चैंपियन से ठीक एक हफ्ते पहले बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्म मुंजिया को भी रिलीज किया गया था, और मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर कितना अच्छा प्रदर्शन किया था ये भी आप अच्छे से जानते हैं। और मुंजिया के साथ क्लैश के चलते चंदू चैंपियन के कलेक्शन पर इम्पैक्ट देखने को भी जरूर मिला था। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।